तहसील कार्यालय ना बीजेडी कार्यालय ब्रह्मगिरि तहसील कार्यालय पलटिछि बीजेडी कार्यालय तहसीलदार को चैंबर भितरे रास करूछंती बीजेडी नेता मजिस्ट्रेट को कोर्ट भितरे चेयर रे बसिछंती ब्रह्मगिरि पूर्वतन विधायक संजय दास वर्मा उनको डाहाण हात बोलाउथिबा केदार जना तहसीलदारों पाखे बस देखाउछंती बीजेडी पावर तहसीलदारों पाखे बस अतिरिक्त तहसीलदार को ठिया कर आईन पाठ पढ़ाउछंती बीजेडी नेता सोशल मीडिया रे वायरल होउछी वीडियो क्यों भली भावरे जने राजनेता मजिस्ट्रेट को चेयर रे बसिछंती बोली साधारण रे प्रश्न उठिछि तबे संपर्क में अधिक सूचना फोन लाइन आम प्रतिनिधि कालुचरण जोड़ी होती कालुचरण किभली देखुंत घटना को कौन प्रतिक्रिया आसुची निश्चित भाव विद्युत प्रभाव देखो जो किसी वीडियो एवं सोशल मीडिया रे बे वायरल हबा लागिसि बडियो ए वीडियो केबे काल जदिबा स्पष्ट होय नाय किंतु ए वीडियो दिन दुई दिन भीतर होय पाए पर बोली बडियो ब्रह्मगिरि अंचल गो चर्चा हेउछि ए वीडियो वायरल हेबा परे बडियो जो वीडियो टी सामना को आसी से भीतर हेउछि ब्रह्मगिरि तहसील कार्यालय भीतर एवं कार्यालय जो मजिस्ट्रेट जे रहिछंती ब्रह्मगिरि तहसीलदार कानूचरण घड़ाई बसुथिबा चैंबर भीतर दृश्य एवं कानूचरण घड़ाई जो बक्स भीतर रहउछंबा अर्थात जो चैंबर भीतर अर्थात जो कोर्ट भीतर जेतु से कोर्ट भीतर प्रीमिसेस भीतर मध्य बीजेडी नेता तहसीलदार पाखे रही अन्य चेयर में मध्य बीजेडी नेता जे कृष्ण प्रसाद ब्लॉक जो संजय दास वर्मा डाण हाथ बोलाउथिबा बीजेडी नेता से मध्य से चेयर में बसुछंती सामने जो चेयर कि आम पूर्व देखीचे भी से चेयर में मध्य अतिरिक्त तहसीलदार जी रही प्रमोद से मध्य से जगार ही से बसंती किंतु वास्तव में जहां कोर्ट परिसर भितर कोर्ट भितर मजिस्ट्रेट सामने कि भाव में से मजिस्ट्रेट चेयर में बसुंच ये बे ब्रह्मगिरि अंचल गोटे स्थानीय अंचल पशुपाती सृष्टि होती जिते बे बीजेडी नेता बसुंच चेयर में अतिरिक्त तहसीलदार चेयर में तहसीलदार पाखे एवं कोर्ट भितर एवं से सीधा सड़क से अतिरिक्त तहसीलदार को ठिया ठिया आईन रहा कहते अनेक किसी प्रश्न करे अधिकार देला किए बीजेडी नेता को ये बीजेडी गोटे पावरफुल नेता बोल कि अधिकार पाइले ना बास्तव में साधारण लोक किए के तहसीलदार कोर्ट भितर एभली चेयर में बसी पारना जहां नियम कहती किंतु से चेयर से बसी से तदंत सापेक्ष वास्तव में से बाबू को अर्थात बीजेडी नेता जो जी रही से चेयर में बसवा को किए साहस दे किए कहला से चेयर में बसापी ये गोटे तो तदंत सापेक्ष किंतु जो वीडियो टी वायरल होती स्पष्ट कि बीजेडी नेता बोली सात खुन माफ से कोर्ट भितर भी बसिक कोर्ट भितर अतिरिक्त तहसीलदार को अनेक आईन रठ पढ़ाऊ अनेक प्रश्न करहसीलदार उपस्थित अच्छा तहसीलदार फोन में व्यस्त किंतु जड़े बीजेडी नेता किभली भाव में जड़े मजिस्ट्रेट चेयर में बसला और से सीधा सख पुणी अतिरिक्त तहसीलदार जी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बोली कह जाइ पारो प्रश्न कला ये गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होती जो केदार जेना वीडियो ये सोशल मीडिया वायरल होती केदार जेना हूं संजय दास वर्मा अर्थात ब्रह्मगिरि पूर्वतन विधायक और पूर्वतन मंत्री और पूर्वतन राजजना बोर्ड उपाध्यक्ष जे पावरफुल बीजेडी नेता डाण हाथ बोलाउथिबा केदार जेना जे कि पुओ होती दस नंबर जोन जिला परिषद बापा हूं केदार जेना से किभली भाव में जो मजिस्ट्रेट चैंबर भितर मजिस्ट्रेट चेयर में बसिक पुणी अतिरिक्त तहसीलदार को आईन रठ पढ़ाऊ तहसीलदार फोन में व्यस्त रोचे जो तहसीलदार कान्हुचरण घड़ाई जे कि अति निकट से बढ़ुत केदार जेना किंतु कौन प्रश्न करना ये चैंबर भितर आप बसा को अधिकार देला किए एक भी कहना कितु बाबू एथ स्पष्ट कि बाबू चाहूंट बोधवे बीजेडी नेता से जगह बसतु तो ये तद से जगार बसवार उपयुक्त स्थान ना नहीं कि वास्तव में से जगार बसवार अधिकार अच्छी ना साधारण लोकटी को जदि अधिकार नहीं तेरे बाबू केमी आईन को हाथ को ने ये गोटे तदंत सापेक्ष रही आईन अनुसार कार्यान्वयन हमार आवश्यक रही है ब्रह्मगिरि अंचल गोटे चर्चा है ये सोशियाल मीडिया बेस भाइराल होती है वीडियो तो ये गोटे तदंत परिसरभुक्त हवा आवश्यक रही बीजेडी नेता किभली भाव में कोर्ट भितर जो मजिस्ट्रेट चैंबर भितर मजिस्ट्रेट चेयर में बसी पारे ये संपूर्ण भाव में गोटे तदंत आवश्यक रही उच्च अधिकारी मैंने तदंत कर आवश्यक किसी आईन अनुसार पुलिस तदंत कर आवश्यक रही विद्युत प्रभाव
निश्चित भाव जो कथा कालुचरण कहते जड़े बीजेडी नेता मजिस्ट्रेट चेयर बस आईन पाठ पढ़ाऊँ तहसीलदार को तेज ए संपर्क में किसी पदक्षेप निहि कि जेहेतु जे बीजेडी नेता जड़े मजिस्ट्रेट चेयर बस ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବାବା ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ପୂର୍ବରୁ ନଜିର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଯଦି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଇନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି ଘଟଣା ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇନାହୁଁ ଏ ନେଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାର୍ ଏ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିବାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବିଜେପି ନେତା ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସିଏ ଲୋକ କି ନାହିଁ ସେ ବାସ୍ତବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତର ସାପେକ୍ଷ ଆଶା କରିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା ପାଚିବା ପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର ମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ଆଇନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ବା ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ